हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नया लेक्चर है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा मैं के नेक्स्ट फीचर के बारे में जो है हाइड एंड शो। तो कभी कभी सीन में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होने की वजह से हमें काम करते हुए प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट्स पर ही काम करें जिन पर हम काम करना चाहते हैं और बाकी ऑब्जेक्ट्स को हम हाइड कर दें। तो माया के पास ये फीचर मौजूद है जो हमें मिल जाएगा यहाँ डिस्प्ले मेन्यू में। तो यहाँ डिस्प्ले में आपको टू मेन्यू शो हो रहे हैं, एक हाइड मेन्यू और उसके नीचे हमारे पास शो मेन्यू। तो अब मैं बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जाता हूँ यहाँ डिस्प्ले में, फिर यहाँ से हाइड मेन्यू में, अब यहाँ जाकर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ जाकर अब मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ हाइड सिलेक्शन में, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+H। ये बहुत काम आता है, तो इस शॉर्टकट की को आप याद रख लें। तो अब अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये ऑब्जेक्ट हाइड हो गया है। अब हम दोबारा डिस्प्ले में जाएंगे और अब हम जाएंगे शो मेन्यू में। अब हम क्लिक कर देंगे यहाँ शो लास्ट हिडन में। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो ऑब्जेक्ट था ये वापस आ गया है। तो जो ऑब्जेक्ट हम हाइड कर दें तो फॉर द टाइम ऑफ पीरियड हमें सिर्फ शो नहीं हो रहा होता, लेकिन वो हमारे सीन में मौजूद होता है। अब अगर यहाँ हम आउटलाइनर पर जाएंगे और अब मैं इस टेबल को कर देता हूँ हाइड बाय प्रेसिंग Ctrl+H, तो ये सीन से हाइड हो गया है और यहाँ आउटलाइनर में आपको ये ग्रे आउट शो कर रहा होगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट सीन से हाइड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ग्रे आउट शो कर रहा है, डेट मीन्स कि ये हमने हाइड किया हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट हम हाइड कर दें वो ग्रे आउट हो जाता है। अब इसे विजिबल करने का एक और तरीका भी है। अगर मैं दोबारा इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँ, अब यहाँ एट्रीब्यूट एडिटर पर आपको उसकी एट्रीब्यूट्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ ये जो विजिबिलिटी का ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर जाकर इसकी विजिबिलिटी ऑन कर दूँ तो अब हमारा ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा। इसी तरह से अब अगर मैं यहाँ विजिबिलिटी पे लिख देता हूँ 0, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दोबारा हाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं दोबारा लिखूँ अगर 1, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो विजिबल हो जाएगा। इसके बाद अब अगर हम दोबारा डिस्प्ले में जाएं और हाइड मेन्यू में जाएं, तो यहाँ ऑप्शन है हाइड अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पर जिस पर मैं काम करना चाह रहा हूँ उसे मैं सिलेक्ट कर लूँ, या किसी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँ, और इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस हाइड अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को मैं क्लिक करूँगा, तो अब जो मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं उसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हाइड हो चुके हैं। और अगर अब मैं दोबारा इनको विजिबल करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा डिस्प्ले में जाऊँगा, यहाँ शो में आकर शो लास्ट हिडन पर क्लिक करूँगा, तो हमारे लास्ट हिडन ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो जाएंगे। अब हम यही ऑब्जेक्ट्स हाइड कर सकते हैं बाय टाइप। तो दोबारा हम डिस्प्ले में जाएंगे, अगर यहाँ पर मैं हाइड कर दूँ कैमरा को, अब आपने नोटिस करना है कि जब मैं डिस्प्ले में जाकर शो करूँगा कैमरा को, तो ये देखें हमें जो माया के बाय डिफ़ॉल्ट कैमरास थे वो भी शो हो रहे हैं, और अब ये यहाँ आउटलाइनर पर ग्रे आउट भी नहीं है। तो अब हम दोबारा इन्हें हाइड कर देते हैं। तो ये था हमारा हाइड एंड शो। इसके बाद अब इससे मिलता जुलता एक और फीचर भी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं लेयर्स। तो लेयर्स हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को बिना हाइड किए हुए कैसे यूज़ कर सकें। तो जैसे अब हमारे इस सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमें शो हो रहे हैं, तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये कुछ टाइम के लिए हाइड रहें या हमें विजिबल ना हो, या अगर विजिबल हो रहे हैं तो हम इसे सिलेक्ट ना कर सकें, क्योंकि अब हमें किसी और ऑब्जेक्ट पे काम करना है,
पर उसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होते रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी काम करते हुए, तो उसके लिए हमें हेल्प आउट करता है लेयर्स। अब जब आप क्लिक करेंगे यहाँ चैनल बॉक्स लेयर पर, तो अब आपको यहाँ पर लेयर मेन्यू शो हो रहा होगा। तो अब अगर मैं इस रूम से बाहर आऊं जूम आउट करके, और मैं चाहता हूं कि मैं इस रूम के अंदर वाली चीजें देखूं, तो उसके लिए मुझे इस रूफ को हाइड करना होगा, या फिर यहां मैं लेयर्स में जाऊंगा और पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूं इस रूफ को। अब इस रूफ को सिलेक्ट करके हम जाएंगे यहां लेयर्स पर, और यहाँ ये हमें दो मेन ऑप्शंस दे रहा है, एक क्रिएट एम्प्टी लेयर जिससे हमारे पास एक लेयर बन जाएगी और उसमें हम ऑब्जेक्ट्स डालेंगे, और जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो है क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड। इस ऑप्शन से हमने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा उस ऑब्जेक्ट की एक लेयर बन जाएगी, और अभी हमें यही करना है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक लेयर बन गई है, तो अब अगर मैं इस लेयर का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बस हमें डबल क्लिक करना होगा इस लेयर पर। अब हमें ये मेन्यू शो हो रहा है, यहाँ पर अब मैं इसका नाम रख देता हूँ रूफ। अब मैं ओके करूँगा तो अब हमें इसका न्यू नेम शो हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ ये ऑप्शंस हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इस वी पर क्लिक करूँ तो ये रूफ हो जाएगी हाइट, और अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें वापस से शो हो जाएगी। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ सिंगल क्लिक करूँ तो ये ऑब्जेक्ट को टेम्पलेट कर देगा। अब हमें यहाँ ये रूफ नज़र आ रही है पर हम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब हम इस रूम को बाहर से भी देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ दोबारा क्लिक करूँ, अब ये ऑब्जेक्ट रेंडर हो गया है, दैट मीन्स कि ये शो तो होगा पर अगर अब इसे मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। और अब अगर मैं इसे थर्ड टाइम प्रेस करूँगा तो अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट भी होगा और हम इसे देख भी सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और लेयर बनाते हैं, एक एम्प्टी लेयर। तो अब हमने एक एम्प्टी लेयर बनाई है, अब हम जाएंगे इस सीन में, तो यहाँ हम सिलेक्ट कर देते हैं इस काउच को, टीवी सेट को और टेबल को। अब अगर हम इन्हें सिलेक्ट करके यहाँ इस लेयर पर जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को प्रेस करेंगे, तब हमारे ऑब्जेक्ट्स की एक और लेयर बन चुकी है। अब हम यहाँ वी पर क्लिक करें तो हमारा ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टीवी है, मैं चाहता हूँ कि ये इस लेयर में ऐड ना हो, इसके लिए हम कोई और लेयर बनाएं, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे टीवी को। अब हम जाएंगे यहाँ लेयर्स पे और क्लिक करेंगे रिमूव सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब अगर हम इस वी पर क्लिक करेंगे तो ये टीवी इस लेयर का पार्ट नहीं है। तो ये था माया का लेयर्स। इसके बाद है सिलेक्शन मास्क। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस सीन में सिर्फ सर्टेन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हों और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें सिर्फ शो हों, सिलेक्ट ना हो, तो उसके लिए हमारे पास है सिलेक्शन मास्क। ये हमें मिलेगा यहाँ इस मेन्यू में, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड एंड शो सिलेक्शन मास्क। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो अब हमें इसके आइकन्स शो हो रहे होंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ इस पूरे सीन में किसी चीज़ को भी सिलेक्ट करना चाहूं तो मैं इजीली सिलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ किसी भी चीज़ को अनसिलेक्टेड नहीं किया हुआ और यहाँ ये सब ऑब्जेक्ट्स ऑन हैं। तो अब अगर हम इन सब को ऑफ करना चाहें तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ क्लिक करेंगे ऑफ पर, तो सब ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन हो जाएगी ऑफ।
तो अब अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। उसके लिए हमें दोबारा से इन सब को ऑन करना होगा, या जिसे हम करना चाहें उसको हम इधर आइकन से ऑन कर देंगे। तो अब अगर यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ लिखा है सिलेक्ट सरफेस ऑब्जेक्ट। इस पर क्लिक करने से जिस ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्रिकल शेप है सिर्फ वो सिलेक्ट होंगे, उसके अलावा कुछ सिलेक्ट नहीं होगा। तो अगर अब मैं सीन में जाके इन सब को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि कैमरास और लाइट्स सिलेक्ट नहीं हो रही, उसके अलावा ये पॉलीगॉन्स ऑब्जेक्ट और ये नर्व कर्व्स वगैरह सिलेक्ट हो रही हैं। तो अब यहाँ जाते हैं दोबारा, और अब मैं यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये और ऑप्शन हमें शो कर रहा है। तो अगर मुझे इन ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स में भी जो नर्व सर्फेसिस हैं वो सिलेक्ट नहीं करने, तो मैं यहाँ इन नर्व सर्फेसिस पर अनचेक कर दूंगा। तो अब अगर मैं सिलेक्ट करूँ इन ऑब्जेक्ट्स को तो जो पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट्स हैं सिर्फ वो सिलेक्ट होंगे, जो नर्व सर्फेसिस ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नर्व सर्फेसिस और पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझाऊंगा, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, अब हमें सिलेक्ट करनी है लाइट्स। तो हम यहाँ आएंगे और इस रेंडर बोर्ड पर राइट क्लिक करेंगे। अब हम जिस जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देंगे तो वो हम सिलेक्ट कर सकेंगे इस सीन के अंदर। तो अब जब हम दोबारा इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो इस सीन में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स नर्व सर्फेसिस। अब अभी के लिए हम इन सबको ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो भी कुछ स्किल सीख कर अर्न कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेल्प करूँगा फ्रीलांसिंग से। और अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड चीज़ें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अर्निंग किस तरह से की जाए घर पर बैठ के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।